80 के दशक में चीन में लोग अपने फैशनेबल कपड़ों की वजह से मुश्किल में आ जाया करते थे। फ्लेयर्ड पैंट और नीली जींस को सरकार की ओर से अजीब पोशाक माना जाता था। कुछ सरकारी इमारतों में लंबे बाल वाले पुरुषों और मेकअप और आभूषण पहनने वाली महिलाओं पर बैन था। कारखानों और स्कूलों की ओर से आयोजित गश्ती दल ने कैंची से चौड़ी पैंट और लंबे बाल काटे। ये चीन के रिफॉर्म और खुलेपन के युग के शुरुआती दिन थे। कम्युनिस्ट पार्टी समाज पर अपना नियंत्रण खो रही थी और जनता आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिवाद की सीमाओं को आगे बढ़ा रही थी। अब सरकार एक बार फिर कानून में संशोधन का प्रस्ताव कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक रूप से ऐसे कपड़े पहनने या प्रतीकों को धारण करने पर हिरासत और जुर्माना लगाया जा सकता है, जो चीनी लोगों की भावना के लिए हानिकारक हैं और चीनी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अब इसमें क्या अपराध माना जा सकता है, ये निर्दिष्ट नहीं किया गया। उधर इस योजना की वहाँ की आवाम के बीच व्यापक रूप से आलोचना भी की जा रही है। तमाम विद्वानों, वकीलों, पत्रकारों या व्यवसायियों की ओर से पिछले कई दिन से अपनी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। उनका तर्क है कि अगर ये प्रभावी हो जाता तो यह अधिकारियों को किसी भी नापसंद चीज पर बैन लगाने की पावर दे सकता है। अगर प्रस्तावित संशोधन 30 सितंबर तक राष्ट्रीय विधायिका की ओर से अनुमोदित हो जाते हैं तो ऐसी घटनाओं के बाद $680 का जुर्माना और 15 दिनों तक पुलिस की हिरासत हो सकती है। उधर ये कानून चीन को सबसे सामाजिक रूप से रूढ़िवादी देशों की श्रेणी में भी खड़ा कर रहा है। यहाँ के लोग इस बात से चिंता में हैं कि प्रस्ताव में ये निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि अपराध क्या होगा। ऐसा फैसला चीन की राष्ट्रीय भावना के लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं पहनावे को लेकर चीन के इस नए कानून को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वहीं चीन के लोग भी जिनपिंग के इस फैसले का तगड़ा विरोध कर रहे हैं।